पंजाब के ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां। तौकीर इलियास चीमा एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर, तायुनात मोहम्मद एजाज जोया एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर फाइनेंस मुकर्रर, फियाज अहमद मोहन डीसी कसूर बन गए, आसिया गिल, अनम जैद, मूसा अली बुखारी को ओएसडी बना दिया गया, मोहम्मद असगर डीसी सरगोधा तायुनात, राना शकील असलम डीसी शेखुपुरा, अहमद सुहेल कैफी को डीसी पाकपतन लगा दिया गया, नुमान हफीज डीसी जेहलम, नुमान यूसुफ डीसी, रहीम याद खान मुकर्रर, राव परवेज अख्तर और खुरम शहजाद को ओएसडी बना दिया गया। तैयारों की कमी और ऑपरेशनल वजूहात, 13 परवाजें मनसूख, 4 ताखिर का शिकार। पीआईए की कराची जाने वाली परवाज 313 और लाहौर आने वाली परवाज 302 भी मनसूख कर दी गई। मस्कत से आने वाली परवाज 230 5 घंटे लेट। खबरदार, होशियार, अपना घर बनाने के चक्कर में कहीं जमा पूंजी से न हाथ धो बैठे। कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी 600 अफराद के पैसे डकार गई। 4 साल बाद भी लोगों को प्लॉट का कब्जा न मिला। मुतासरीन का लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। जहूर इलाही रोड गुलबर्ग पर प्लाटिनम मार्केटिंग के बाहर धरना दे दिया। महंगाई के मारों को एक और झटका, पेट्रोल और एलपीजी के बाद सीएनजी भी महंगी। सीएनजी की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफा, नई कीमत 124 रुपए मुकर्रर। पहले से वैरान पड़े सीएनजी स्टेशन उजड़े, दयार का मंजर पेश करने लगे। मजाक का आफ्ताब गुरूब हुआ। उमर शरीफ 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। आरसे कब्ल में मुब्तला थे। डॉक्टर्स ने इलाज के लिए अमरीका ले जाने का कहा। तबीयत बिगड़ने पर जर्मनी के अस्पताल ले जाया गया, जान बर ना हो सके। लेजेंड फनकार की मौत पर दुनिया भर में मद्दाह सोगवार। अदाकार सुहेल अहमद, शफकत चीमा, गुलाम मुहैयुद्दीन, राशिद महमूद, हिदायतकारा संगीता, अदाकारा रेशम और मीरा को अफसोस। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की तासीयत। जर्मन सफीर ने भी दुख भरा ट्वीट कर दिया। सरहद पार के फनकार भी रंजीदा। अनुपम खेर, दलेर मेहदी, रजा मुराद का भी इजहार अफसोस। उमर शरीफ साहब बहुत बहुत कमाल एक्टर थे। जहाँ वो परफॉर्मेंस कर रहे थे वहीं कोई वाक्य होता था, उसी को देख के वो अपनी कॉमेडी जो थी वो डिलीवर करते थे। मैं उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को सब्र की तकलीम कर सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो फौत हो गए। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क सैयद अफजल नकवी की रस्म चहलुम, कुरान खानी और इज्तिमाई दुआ। मजलिस अज़ा का भी अहतमाम। सैयद सुहेल नकवी, सैयद फैसल नकवी, सैयद अकमल हुसैन असद रजा, सैयद हुसैन मेहदी और सैयद सादत मेहदी की शिरकत। एसएसपी सरफराज विर्क, शेख शाहिद, सैयद बकार रिजवी, नवीद चौधरी, मियाँ ताहिर, हमीद नकीबी, अहमद वलीद, आमिर खान, अब्दुल रशीद समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। 12 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन बड़ा चैलेंज। स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और वालिदैन के तहफ़ुज़ात। वालिदैन की अक्सरियत अपने सामने बच्चों को वैक्सीन लगवाना चाहती है। स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा को वैक्सीन पर रद्द अमल का डर। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन ने भी हाथ खड़े कर दिए। हुकूमत जल्द से जल्द बच्चों की वैक्सीनेशन चाहती है। यकसा निसाब तालीम मंसूबा, किसी एक किताब को बतौर टेक्स्ट बुक लाजिम पढ़ाने की पाबंदी खत्म। पब्लिशर्स को एनओसी की भी जरूरत नहीं होगी। मुरासला जारी, हुकूमती पॉलिसी में अचानक तब्दीली। सिर्फ 2 प्राइवेट पब्लिशर्स को नवाजा जा रहा है। ऑल पाकिस्तान टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन का इल्जाम। कौम के मेहमानों के लिए अच्छी खबर, प्रोफेसर की तनख्वाहों में इजाफा। कम से कम तनख्वाह 3,95,000 मुकर्रर, ज्यादा से ज्यादा 6,84,000 मिलेगी। एसोसिएट प्रोफेसर का सैलरी पैकेज 1,95,000 से बढ़कर 2,63,250 रुपए हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर को 1,30,000 की बजाय 2,25,000 मिलेंगे। रावी किनारे नए शहर की तैयारी, 4,000 कनाल पर बागात लगाने की मनसूबाबंदी। आम कीनू के बाग मिलेंगे, सब्जियों की जदीद फार्मिंग होगी। शहर के हसूल के लिए भी काम शुरू, शहरियों को ताज़ा फल और सब्जियां मुयस्सर आएंगी।
रिंग रोड की तौसी का मंसूबा, पंजाब हुकूमत की तामीर में अदम दिलचस्पी। NLC के साथ मुआहदे के 15 माह बाद भी काम का आगाज न हो सका। 8 किलोमीटर सदरन लूप 3 मंसूबे की लागत 10 अरब से तजावुज करने का खदशा। PHA मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। डेली वेजेस मुलाजमीन की उजरत में 90 रुपए इजाफा। ऑपरेटर की तनख्वाह 22,400 रुपए मुकर्रर। सिक्योरिटी गार्ड को 20,200 रुपए मिलेंगे। सब इंजीनियर की तनख्वाह बढ़कर 32,450 हो जाएगी। हर तरफ महंगाई की दुहाई, सरकारी निर्णयनामे पर अमल ना होने के बराबर। फिर सब अच्छा की रिपोर्ट किसने बनाई? वजीर आला को पेश करदा रिपोर्ट में 4 मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी बेहतर। गिरा परोशों के खिलाफ कार्रवाई में लाहौर कैंट पहले नंबर पर। मॉडल टाउन की दूसरी जबकि शालीमार की तीसरी पोजीशन बताई गई। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तहत सेमिनार, फातिमा मेमोरियल हस्पताल शादमान में अहतमाम। डॉक्टर नुमान अमजद, दिनिश काशिफ और दीगर का खिताब। मेडिकल के तलबा और तालिबात का लेक्चर में भरपूर दिलचस्पी का इजहार। और दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान शाहीन का ऐलान। 19 रुकनी स्क्वाड की कयादत साउथ शकील करेंगे। टीम के दीगर खिलाड़ियों में हैदर अली, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, अब्बास अफरीदी, अहमद सफी, अब्दुल्ला, आकिब जावेद शामिल।